अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर शुक्रवार को बाड़मेर के सफाई कर्मियों ने 17 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर सफाई कर्मियों ने 2 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के सफाई कर्मियों द्वारा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर शुक्रवार को बाड़मेर के सफाई कर्मियों ने 17 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में सफाई कर्मियों ने बताया कि सफाई कर्मियों की 17 सूत्री मांगों को लेकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह टांक द्वारा केंद्र सरकार को मांग पत्र भेजा गया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा सफाई कर्मियों की मांगों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे देश भर के सफाई कर्मियों एवं वाल्मीकि समाज में केंद्र सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। अपनी प्रमुख मांगों में उन्होंने ठेका प्रथा, आबादी एवं हेल्थ मैनुअल के अनुसार भर्ती, पृथक आरक्षण, समान कार्य समान वेतन, स्थायीकरण, राजनीतिक साझेदारी, आवासीय सुविधा, ऋण सुविधा, कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन, बच्चों को उच्च शिक्षा, यूनियन कार्यालय आवंटन, तकनीकी कामगार के रूप में वर्गीकरण, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, सीवरेज में कार्य के दौरान दुर्घटना घटने पर दुर्घटना लाभ दिलाने समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। वाल्मीकि समाज और नगर पालिका से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं उनके अंदर बहुत सारा भेदभाव है और बहुत ऐसी कमियाँ हैं जिसको दूर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह जी टोंक साहब ने आह्वान किया है और 17 सूत्री मांगों को लेकर एक प्रधानमंत्री के नाम के ज्ञापन दिया है। उसके अंदर मांग की गई है जो भी सफाई कर्मचारी एवं वाल्मीकि समाज की तरफ से शोषण हो रहा है उसको दूर करने के लिए ये 17 सूत्री मांग पत्र है। अगर सरकार हमें हर बार दरकिनार करती है, सुनती नहीं है, अगर इस बार हमें नहीं सुना गया तो अगली 2 अक्टूबर को हमारे पूरे भारत के अंदर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस धरना देगी और सरकार को जगाकर हमारे जो वाल्मीकि समाज के साथ जो दोगला व्यवहार हो रहा है उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर सफाई कर्मियों ने अगले 2 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के सफाई कर्मियों द्वारा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी।